Okay, so today we will start with section 260, chapter 21, that is for summary trial. Able to see the screen? Yes, sir. Okay. Okay, power to try summarily. ठीक है, मैं आपको ये section ऊपर से बता देता हूँ कि क्या है. Notwithstanding anything contained in the code, summary power जो है trial कौन चलाएगा? एक chief judicial magistrate, second metropolitan magistrate या फिर any magistrate who is empowered by the high court. वो लोग, ये तीन लोग जो है इस summary trial को चलाएंगे. तो यहाँ पर एक question आ सकता है that who can conduct the summary trial. ठीक है, तो chief judicial magistrate, metropolitan, any metropolitan magistrate or any magistrate of a first class but who is empowered by the high court specially. अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बताई गई है कि कौन से केस समरी ट्रायल चलाए जा सकते हैं. ठीक है, तो सब सेक्शन वन है, सब क्लोज वन है, उसमें काफी बड़ा सेक्शन लिया हुआ, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की है वो केस समरी ट्रायल चल सकता है. ठीक है, दूसरा है सेकंड, जिसके अंदर है थेफ 379, 380 और 381 के अंदर ये सेक्शंस की केस होने चाहिए, प्लस इसके अंदर जो प्रॉपर्टी की चोरी हुई है बराबर है वो 2000 से कम की होनी चाहिए तो ही समरी ट्रायल होगा. थ्री है चोरी से रिलेटेड केस है कि रिसीविंग और रिटेनिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, की चोरी की प्रॉपर्टी जो है उसको संभाल के रखना, उसको अपने कब्जे में लेना, 411 का सेक्शन ऑफेंस होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम होगी तो ही समरी ट्रायल चलेगा. फोर है चोरी की जो प्रॉपर्टी है उसको कंसील कर देना या डिस्पोज कर देना, 414 आईपीसी का ऑफेंस है लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 से कम का होगा तो ही समरी ट्रायल चलेगा. फाइव है ऑफेंस अंडर सेक्शन 454, 456, ये क्या कौन सा सेक्शन है, किसी के घर में घुस के हाउस लर्किंग करना, हाउस ट्रेसपास करना. ठीक है, वो अगर ऑफेंसेस है तो इसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ भी हो समरी ट्रायल चलेगा. सिक्स है इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, सेक्शन 504 का ऑफेंस है. ठीक है, या फिर 506 का ऑफेंस है जिसके अंदर पनिशमेंट 2 साल से कम की है तो समरी ट्रायल चलेगा. सेवन है ऊपर के जो 1 से 6 ऑफेंस बताए गए हैं उसका अबेटमेंट हो तो भी समरी ट्रायल चलेगा. ऊपर से जो ऑफेंस बताए गए हैं उसका अटेम्प्ट हो तो भी समरी ट्रायल चलेगा. और एक सेक्शन अलग से आती है, वो है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, इसका ऑफेंस है तो भी समरी ट्रायल चलेगा. ठीक है, 261 समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास. अब जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल कब चला सकते हैं, तो हाईकोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास power to try summarily any offence which is punishable only with fine. second class magistrate है, high court ने उसको empower किया है, कब चला सकता है वो, जिसके अंदर punishment या तो सिर्फ fine का है या फिर 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं है, तब जाकर के वो summary trial चला सकता है, otherwise second magistrate of second class summary trial नहीं चला सकता. procedure for summary trial. In trials under this chapter, the procedure specified in this code for trials of summons cases shall be followed except as hereinafter mentioned. Section 260 और 261 के अंदर जो दिया गया है उसके अलावा की सारी प्रोसीजर जो है वो समन्स ट्रायबल केस की तरह चलेगी समरी ट्रायल के अंदर. ठीक है, और क्या है इसके अंदर, ये सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. नो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शेल बी पास इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके अंदर कन्विक्शन देने जैसा है, सजा देने जैसा है, तो वो सजा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 महीने ही देगा, उससे ज्यादा सजा वो नहीं देगा. रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल. ओके, ये एग्जाम पर्पस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि समरी ट्रायल का रिकॉर्ड किस तरह से रखना चाहिए, फरियादी का नाम, परसेंटेज, उसका रेसिडेंस एड्रेस, फाइनल सेंटेंस वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा. जजमेंट इन केस ट्राइड समरी 264 है. In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reasons for finding. जो डिटेल जजमेंट देना होता है समरी ट्रायल के अंदर, वो डिटेल जजमेंट देने की जरूरत नहीं होती, इश्यू फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने सब्सटेंस लिखा और आपने आपका फाइंडिंग दे दिया, दैट इज सफिशियंट.
लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ दी कोर्ट, कोर्ट अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखेगी, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर सबसेक्शन टू है, वो ये बोलता है कि हाई कोर्ट ने अगर किसी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया है, ठीक है, तो वो मैजिस्ट्रेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो जजमेंट भी खुद ही लिखे, ठीक है। दो चीजें, हाई कोर्ट ने उसको एम्पावर किया है, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसने किसी व्यक्ति को और किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया है जजमेंट लिखने के लिए, तो वो जजमेंट लिख करके दे देगा, मैजिस्ट्रेट जो चला रहा है उसको सिर्फ साइन कर रहा है, ठीक है। ताकि समरी ट्रायल का पूरा प्रोसीजर का मतलब सिर्फ यही है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसके लिए सारे बेनिफिट समरी ट्रायल में दिए गए। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का, ये 2005 के अंदर इसको 6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सीआरपीसी के अंदर। 265 जो है सेक्शन, चैप्टर 21A है, सेक्शन 265A से स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं पहला क्या है, सब सेक्शन 1 की ए सेक्शन से वो ये बोल रही है कि अगर चार्जशीट हुआ है और पनिशमेंट 7 साल से कम की है तो ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बी सेक्शन क्या बोल रही है कि अगर प्राइवेट कंप्लेन है और अक्यूज को प्रोसेस इश्यू हो चुका है और जो ऑफेंस है वो सिर्फ 7 साल तक की सजा की जोगवाई है तो ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चार्जशीट के केस में अप टू 7 ईयर्स, प्राइवेट कंप्लेन के केस में भी अप टू 7 ईयर्स, बट इसमें कंडीशन एक और है कि आरोपी को प्रोसेस इश्यू हो चुका होना चाहिए। अब ये सेक्शन में फर्दर एक एम्बार्गो है, वो ये है कि ये किसको लागू नहीं पड़ेगा। इसमें तीन कैटेगरी दी गई है जिनको ये लागू नहीं पड़ेगा। एक, इफ इट अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री है उसके ऊपर अफेक्ट करता है ये ऑफेंस, उससे रिलेटेड है, तो ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर लागू नहीं पड़ेगा। दूसरा, ऑफेंस अगर वुमन से रिलेटेड है तो भी ये चैप्टर लागू नहीं पड़ेगा। या फिर चाइल्ड है, ऐसा चाइल्ड जो जिसकी एज जो है 14 ईयर से कम है, तब भी एक्ट लागू नहीं पड़ेगा। इन तीन केस के अलावा सारे केस में ये लागू पड़ेगा। सब सेक्शन टू है, वो ये बता दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कब अफेक्ट होती है, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिससे कि ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है अफेक्ट कंट्री की होती है। ओके, जितनी भी हम एप्लीकेशन करते हैं प्ली बार्गेनिंग के अंदर, वो एप्लीकेशन कोर्ट में जब अक्यूज करता है तो वो सेक्शन 265B के अंदर एप्लीकेशन करता है, ठीक है। अब 265 जो है, मैं आपको समझा दूं कि ये बोलती है कि पहले तो एप्लीकेशन कहां पर करनी है, एप्लीकेशन वहां पर करनी है जहां पर आपका ट्रायल पेंडिंग है, ठीक है, जहां पर प्राइवेट कंप्लेन पेंडिंग है या फिर चार्जशीट हुआ है, वो केस जहां पर जिसके मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है वो वहां पर आपको अर्जी करनी है। अर्जी के साथ आपको जो है एफिडेविट के ऊपर बताना है कि आपने वॉलंटरीली ये एप्लीकेशन की हुई है प्ली बार्गेनिंग की, और आपके ऊपर कोई भी जात का दाब दबाव नहीं है, ये आपको एफिडेविट से बताना है। आपको एफिडेविट के अंदर ये भी बताना है कि आपको इस तरह की किसी ऑफेंस के अंदर पहले कभी सजा नहीं हुई है, ठीक है। सब सेक्शन 3 है, वो क्या बोल रही है कि भाई कोर्ट जो है नोटिस इश्यू करेगी किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अगर वो चार्जशीट के बेस पर केस है तो, और अगर वो प्राइवेट कंप्लेन का केस है तो कंप्लेनेंट को नोटिस इश्यू होगा और उसके बाद उसको फिक्स किया जाएगा हियरिंग के लिए। ओके ओके, अब इसमें आगे क्या आता है कि व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट एज द केस में बी अपीयर्स ऑन द डेट फिक्स अंडर सब सेक्शन 3, द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा वेयर द अदर पार्टी इन द केस शेल नॉट प्रेजेंट। जब आरोपी अदर साइड प्रेजेंट नहीं हो तब जो आरोपी है फरियादी प्रेजेंट नहीं हो तब आरोपी को ऑन कैमरा एग्जामिन करा जाएगा, सिर्फ ये सेटिस्फाई करने के लिए कि उसने जो अर्जी करी है वो वॉलंटरी करी है, दूसरी किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि ये जो एप्लीकेशन की हुई है ये वॉलंटरी की हुई है, तो उसके बाद जो है आगे वो लोग म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन से डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कैसे फिक्स होना चाहिए कॉम्पेंसेशन और कैसे फिक्स होनी चाहिए पनिशमेंट, ठीक है। अब इसमें बात आती है गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फेक्टरी डिपोजिशन। म्यूचुअली सेटिस्फेक्टरी डिपोजिशन, डिस्पोजिशन क्या होता है, मतलब कि दोनों पक्षकार मिल करके एक सेटिस्फेक्टरीली उसको निकाल कैसे किया जाए, म्यूचुअली उसके ऊपर बैठेंगे और नेगोशिएट करेंगे कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इसमें कैसे आरोपी को सजा की जाए, कितनी सजा की जाए, ठीक है। अब इसके अंदर बताया गया है सेक्शन 265C के अंदर कि
कि इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये जो सेटिस्फैक्टरी डिपोजिशन है उसके अंदर, अगर वो केस ऐसा है जिसमें चार्जशीट हुआ है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेट किया है वो, उसके साथ में जो विक्टिम है वो भी पार्टिसिपेशन करेंगे अलोंग विद द अक्यूज। और अगर प्राइवेट कंप्लेन है ठीक है, तो इसके अंदर जो विक्टिम है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कंप्लेनेंट खुद विक्टिम है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अगर जो कंप्लेनेंट है वो विक्टिम नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 265D है, इसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगा विच विल बी साइन बाय द कोर्ट। वो रिपोर्ट कंटेन करेगा, रिपोर्ट के अंदर दो चीजें आएगी। पहले तो सबसे पहले तो ये सेटिस्फैक्टरी खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो दोनों की एक दूसरे से टर्म्स एंड कंडीशन से वो मिल रही है या नहीं। अगर वो मिल रही है तो यस होगा, और अगर नहीं है तो वो नो हो जाएगा, वहां पर मैटर एंड हो जाएगी। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बनेगा वो दैट विल बी साइन बाय द कोर्ट। डिस्पोजल ऑफ द केस, अगर ये यस होता है कि दोनों जो पार्टी है वो एग्री हो जाती है ठीक है, तो इसके अंदर अब प्रोविजन है कि भाई कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा या फिर उसको आरोपी को सजा कितनी दी जाएगी। वेदर द सेटिस्फैक्टरी डिपोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट अंडर सेक्शन 265D ठीक है, द कोर्ट शेल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली पहला है द कोर्ट शेल अवार्ड द कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिपोजिशन अंडर सेक्शन 265D एंड हियर द पार्टीज। पहले तो डिसाइड हो जाएगा कि कॉम्पेंसेशन विक्टिम को कितना देना है, और उसके बाद कोर्ट आरोपी को सुनेगी कि उसको सजा कितनी देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोर्ट उसको सजा दे रही है तो क्या उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का जो लाभ है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पनिशमेंट कितना। दो चीज है, अगर आरोपी कोर्ट ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का लाभ मिल रहा है, तो जितनी पनिशमेंट दी गई है उसके अंदर उसका हाफ ऑफ द पनिशमेंट उसको मिलेगा। दैट इज व्हाट सब सेक्शन सी सेज ठीक है, अक्यूज टू हाफ ऑफ सच मिनिमम सेंटेंस। दूसरी चीज कि उसको अगर प्रोबेशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो कितनी सजा, तो उसको मैक्सिमम 1/4 जो सजा है उस सेक्शंस के अंदर बराबर है वो दी जा सकती है, उससे ज्यादा उसको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर आंसर नहीं है। पहला एक आंसर है जिसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का उसको लाभ मिल रहा है तो जो पनिशमेंट दी गई है उसकी हाफ पनिशमेंट, और अगर उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का जो लाभ है वो एक्ट का वो नहीं मिल रहा है तो 1/4 सेंटेंस उसको की जा सकती है मैक्सिमम। उसके बाद है जजमेंट कि द कोर्ट शेल डिलीवर द जजमेंट, ओके इट विल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट ठीक है, अब ये जो जजमेंट प्ली बार्गेनिंग का होता है उसके ऊपर कोई भी अपील प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अंदर रिट पिटीशन कर सकता है या फिर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226, 227 के अंदर रिट पिटीशन कर सकता है, कोई अपील या रिविजन दूसरा उसमें नहीं हो सकता। पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, अ कोर्ट शेल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑल द पावर वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड अदर मैटर्स। कोर्ट को बेल देने के या फिर ट्रायल के अंदर जितने पावर से वो सारे पावर इस चैप्टर के अंदर भी कोर्ट को रहेंगे, जब कोर्ट प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन सुन रहा हो तब। पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 1/4 सेंटेंस दी जा सकती है। ठीक है, कोर्ट ने उसको सेंटेंस किया 3 महीने का, या सपोज मान लो कि 6 महीने का सेंटेंस किया, लेकिन जब आरोपी पहले अंडर ट्रायल था तब वो ऑलरेडी 1 महीना अंडर ट्रायल रह चुका था या फिर 1 वीक अंडर ट्रायल रह चुका था, तो वो पीरियड उसको सेट ऑफ मिल जाएगा जो टोटल पनिशमेंट कोर्ट ने अवॉर्ड की है उसके अंदर। ये सेविंग्स का प्रोविजन है ठीक है। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नॉट टू बी यूज ठीक है, अगर इसमें एप्लीकेशन कोर्ट ने डाली, अक्यूज ने डाली 265B के अंदर, उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट किए, कुछ ऐसे फैक्ट किए जो आरोपी के विरुद्ध में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि 265B का एप्लीकेशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहा और वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गई, तो वो जो उसका एप्लीकेशन था जो कि ऑन एफिडेविट था वो प्रोसीडिंग में उसके अगेंस्ट में यूज नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूशन ये नहीं बोल सकता कि सर उसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन देखो उसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया था अपना ऑफेंस, नो वो परमिसिबल नहीं है ठीक है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर के, ये जो ऑफेंस जो पूरा चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का वो कब यूज नहीं हो सकता, ये जुवेनाइल जस्टिस का जो एक्ट है बराबर है उसमें ये कभी भी यूज नहीं हो सकता। ओके, अब नया चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 22, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कंफर्म
कन्फाइन और डिटेन इन प्रिजन, जो आरोपी जेल में है उनको कोर्ट में लाना लाना आरोप एज अ विटनेस या फिर एज एन अक्यूज, उसका प्रोविजन सारा दिया हुआ है चैप्टर 22 के अंदर। पहला है डेफिनेशन के, डिटेंशन मतलब अगर वो डिटेन किया गया है, ठीक है, पासा में डिटेन किया गया है तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो डिटेंशन में गिनाया जाएगा। प्रिजन मतलब क्या होता है, जो जेल होता है वो भी होगा बराबर है, या फिर सब्सिडरी जेल होगा, या फिर रिफॉर्मेटरी है, बॉस्टल इंस्टीट्यूशन है, या फिर नारी संरक्षण गृह, जहां पर भी आरोपी को या विटनेस को रखा गया वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजन, ओके, ये सेक्शंस क्या बोलती है कि कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर आरोपी या विटनेस किसी भी जेल में हो, कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है उस प्रिजन अथॉरिटी को कि उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर लेकर के आया जाए, ठीक है। सब सेक्शन जो क्लोज ए है वो आरोपी के लिए है, बी है जो वो विटनेसेस के लिए है, ठीक है। और इस जब उसको ऐसा ऑर्डर किया जाएगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो आरोपी को या विटनेसेस को यहाँ पर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। कौन प्रोड्यूस करे? जो भी प्रिजन अथॉरिटी है वो। ओके, 268 है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267, ठीक है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसा पावर है कि वो नोटिफिकेशन करके कोई क्लास या फिर कोई प्रिजन है जिसको अगर जेल में से हर बार कोर्ट के अंदर लेकर के आया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, या वो आरोपी भाग सकता है, या वो किसी बड़ी गैंग का मेंबर है कि उसके गैंग के मेंबर जो दूसरे मेंबर्स है वो अटैक कर सकते हैं, पुलिस पार्टी के ऊपर उसको छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो 268 का ऑर्डर पास करेगी। और जब 268 का ऑर्डर पास होता है तो अगर कोर्ट ने उसको बुलाया है, 267 का ऑर्डर किया है आरोपी को या विटनेस को प्रेजेंट रहने का कोर्ट में, तो भी वो प्रिजन अथॉरिटी जो है उसको कोर्ट पे लेकर के नहीं जाएगी। इसमें यहाँ पर कंसिडरेशन दिए गए हैं सब सेक्शन 2 के अंदर, कौन सा कंसिडरेशन है? ए है द नेचर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच और द ग्राउंड ऑन विच द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड टू बी कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, द लाइकलीहुड ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इफ द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इज अलाउड टू बी रिमूव फ्रॉम द प्रेजेंट प्रिजन, और तीसरा है पब्लिक इंटरेस्ट जनरली, ठीक है। इस तरह के केसेस में उसको लाना जरूरी नहीं है। 269 देखते हम, प्रिजन ऑफिसर जो है, प्रिजनर टू बी ब्रॉट इन कोर्ट इन कस्टडी, ठीक है। अब ये सेक्शंस क्या बोल रहा है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है 267 के अंदर आरोपी को लेकर के आने का, ठीक है, तो वो कब नहीं लेकर के आया जाएगा? पहला है बाय द रीजन ऑफ सिकनेस और इन्फर्मिटी और अनफिट टू बी रिमूव फ्रॉम द प्रिजन, आरोपी जो है या विटनेस जो है वो इतना बीमार है कि उसको जेल में से नहीं लाया जा सकता तो उसको नहीं लेकर के आया जाएगा। इज अंडर कमिटल फॉर ट्रायल और अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो अभी रिमांड में है या फिर अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, तब भी उसको नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अब सी है, इज इन कस्टडी फॉर अ पीरियड विच वुड एक्सपायर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर एंड फॉर टेकिंग हिम बैक टू द प्रिजन इन विच ही इज कन्फाइंड और डिटेन, मतलब आरोपी जो है जेल की कस्टडी में है 4 तारीख तक, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसको 6 तारीख तक लेकर के आओ, 6 तारीख के दिन उसकी हियरिंग है, आप उसको लेकर के आओ, लेकिन 4 तारीख को जो है उसका जेल में से उसकी रिहाई है तो उसको जेल वाले तो छोड़ देंगे। फिर अगर जेल वालों ने छोड़ दिया है 4 तारीख को, तो उसको 6 तारीख को लेकर के आना ये जेल अथॉरिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके, प्रिजन्स टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट इन कस्टडी, ओके। अब ये सेक्शन ये बोल रही है कि जब कोर्ट उसको बुलाती है ऐसे प्रिजन को, प्रिजनर को, ठीक है, तो उनको लेकर के आना है, और जब तक कोर्ट वापस से आपका जो वारंट है उसको काउंटर साइन करके आपको वापस कस्टडी नहीं देती है, तब तक वो कोर्ट की कस्टडी में रहेगा, ठीक है, कोर्ट के जिम्मे रहेगा, और आप उसको वापस नहीं ले जा सकते जब तक कोर्ट आपको वापस ले जाने को नहीं बोलती है। दैट इज व्हाट सेक्शन 276। 271 है, पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, ठीक है। अगर कोई विटनेस है जो किसी और ऑफेंस के अंदर जेल में है, ठीक है, तो कोर्ट उसको खुद बुला सकती है, 267 के अंदर पावर उसके पास है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि
या फिर अल्टरनेटिवली कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि उसको जो है एग्जामिन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। 284 के अंदर कमीशन कैसे बनाया जाएगा हम देखेंगे यार। वो कमीशन कोर्ट जेल जेल के अंदर जाएगा और उस व्यक्ति की जुबानी ली जाएगी। ठीक है। एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, ट्रायल और इंक्वायरीज के अंदर एविडेंस कोर्ट में किस तरह से लिए जाएंगे उसके बारे में पूरा चैप्टर है, चैप्टर 23। ठीक है। मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, ठीक है। पहला है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बराबर है कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोर्ट जो है एविडेंस लेगी वहां पर। एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, ठीक है, ये कंपलसरी सेक्शन है, इसके एग्जेम्पशन भी आगे आएंगे। किस चीज क्या है, सबसे पहला ये जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि आरोपी जो है उसके प्रेजेंस में ही सारे विटनेसेस एग्जामिन होंगे, सारी ट्रायल जो भी चलेगी वो आरोपी की प्रेजेंस में चलेगी। और अगर आरोपी की प्रेजेंस को डिस्पेंस विद कर दिया गया है, कोर्ट ने डिस्पेंस विद किया है आरोपी की प्रेजेंस को, तो उसका जो प्लीडर है उसका एडवोकेट जो है उसके प्रेजेंस के अंदर ये जो ट्रायल चलेगी। अब इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई वुमन है, ठीक है, वो रेप कि जो वो रेप की विक्टिम है, ठीक है, उस केस के अंदर उसकी जो एज है वो 18 साल से कम की भी है, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस का और कोई ऑफेंस है, उस गुने के अंदर कोर्ट ये ध्यान रखेगी कि आरोपी और जो विक्टिम है वो दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट ना करें, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। ठीक है। तो उसकी जुबानी जिस तरह से ली जाएगी तब भी आरोपी को प्रेजेंट नहीं रखा जाएगा, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आरोपी अगर वो क्या जुबानी दे रही है वो सुन सके। इसी तरह से जब इस केस के अंदर कोर्ट के अंदर आरोपी को पहचानने की बात आती है, ऐसी कोई व्यक्ति द्वारा, वुमन द्वारा जो के और या फिर जिसके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो आरोपी को इस तरह से पहचानेगी कि दोनों एक दूसरे के सामने सामने नहीं है, आरोपी को कहीं और बिठाया जाता है। एक्सक्यूज मी, आरोपी को कहीं और बिठाया जाता है, विक्टिम को कहीं और बिठाया जाता है, कोई अलग अलग कमरे के अंदर, ठीक है, और जो है ग्लास में से उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। सेक्शन 274 है, रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरी, ठीक है। अब ये जो बता रहा है कि समन्स केस है, समन्स केस के अंदर आरोप जो विटनेसेस है उसकी जुबानी कैसे ली जाएगी, इसके अंदर उसकी जो जुबानी है, उसकी जो डिपोजिशन है, उसको वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड करना वो जरूरी नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ उसका एक मेमोरेंडम बना देगा तो भी वो सफिशियंट है। मेमोरेंडम बनाना मतलब उसने जो जुबानी अपनी बताई है उसको डिटो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसने उसका मेमोरेंडम बना लिया है, मोटा मोटा सा ऊपर लिख लिया है कि विटनेस ने ये कहा है, दैट इज सफिशियंट। सिर्फ किस चीज के अंदर, समन्स केस के अंदर, उसके इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर ये लागू पड़ेगा। अब वारंट केस की बात है, वारंट केस के अंदर इसके अंदर आपको जो है जो भी क्वेश्चन उसका हर एक स्टेटमेंट जो भी वो बोल रहा है वर्ड टू वर्ड उसको लिखा जाएगा वारंट केस के अंदर, ठीक है। या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन और आंसर उसके फॉर्म में ही उसको लिखा जाएगा, ठीक है। समन्स केस के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट को सिर्फ मेमोरेंडम बनाना है उसकी डिपोजिशन का, लेकिन यहाँ पर वारंट केस के अंदर उसका वर्ड टू वर्ड डिपोजिशन होगा, उसने जो भी कहा है सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके। इसके अंदर प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ विटनेस अंडर दिस सब सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज पर्सन ऑफ द ऑफेंस। ये कोर्ट को एक विल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कंपल्सरी नहीं है। मे द वर्ड विच इज यूज इज मे। सब सेक्शन 2 है, वेयर द मैजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन, ही शैल रिकॉर्ड अ सर्टिफिकेट दैट द एविडेंस कुड नॉट बी टेकन डाउन बाय हिमसेल्फ फॉर द रीजंस रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1। जब मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड नहीं कर रहा हो और उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति जो कर रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कोर्ट में जो टाइपिस या रजिस्ट्रार बैठ के करता है, ठीक है, तो वो भी कर सकता है। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव बाय द मैजिस्ट्रेट, मे इन हिज डिस्क्रिशन टेक डाउन और कोर्स टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है करने जैसा है तो वो मैजिस्ट्रेट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी लिख सकता है, या फिर जो है नरेटिव फॉर्म में भी लिख सकता है, ठीक है। तो वारंट केस के अंदर नरेटिव होगा और समन्स केस के अंदर मेमोरेंडम बनेगा। सेक्शन 276 है, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस। ये आज हमने जो ऊपर बात करी, ये समन्स केस और समन्स केस और वारंट केस की बात करी जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट का था, ये सेक्शन 276 है, ये सेशंस कोर्ट किस तरह से एविडेंस लेगी उसके बारे में बात है।
ओके, जो आगे हमने देखा कि जिस तरह से वॉरंट केस में लिया जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है। इन ऑल ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शेल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय द प्रिसाइडिंग जज हिमसेल्फ और बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट और अंडर हिज डिस्क्रिशन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। ठीक है, नरेटिव फॉर्म में होगी, जज खुद भी लिख सकता है या फिर उसका सुपरिटेंडेंट जो है, जो उसका जो सिरेस्टेदार है वो भी लिख सकता है, बट दैट विल बी अंडर डायरेक्शन एंड द सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव बट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन हिज डिस्क्रिशन टेक डाउन और कोर्स टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच विटनेस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, नरेटिव फॉर्म में होगा और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जज को लगता है तो वो भी ले सकता है। ठीक है, द एविडेंस वो टेकन शेल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग जज शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जज उसको साइन करेगा। लैंग्वेज 277, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, सेक्शन 277 है, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये जो विटनेसेस आएंगे, ठीक है, ये कोर्ट उसका रिकॉर्ड करेगी, कोर्ट अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर विटनेस की जो लैंग्वेज है वो अलग है तो क्या, ये है बी, इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, इफ ही मतलब विटनेस, इट मे इफ प्रैक्टिकेबल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, अगर प्रैक्टिकेबल है तो विटनेस जो लैंग्वेज में डिपोजिशन दे रहा है उसकी लैंग्वेज के अंदर लिखना प्रैक्टिकेबली जरूरी है। एंड इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है तो अ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोसीड्स। ठीक है, जैसे जैसे उसका विटनेस जो है एग्जामिनेशन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उसका ट्रांसलेशन आपको लिखवा देना है और वो ट्रांसलेशन साइन होगा बाय द मैजिस्ट्रेट और द प्रिसाइडिंग जज। मतलब ये अगर मैजिस्ट्रेट को भी लागू पड़ेगी सेक्शन 277 और सेशन जज को भी लागू पड़ेगी। ठीक है, सी वेयर अंडर क्लोज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन द लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अगर कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर विटनेस का डिपोजिशन नहीं लिया गया लेकिन विटनेस की लैंग्वेज के अंदर उसका डिपोजिशन लिया गया है, अ ट्रू ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज सून एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, जल्दी से जल्दी ये क्या किया जाएगा, कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसका ट्रू ट्रांसलेशन प्रोड्यूस किया जाएगा और दैट विल ऑल्सो बी साइन बाय द मैजिस्ट्रेट और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अंडर क्लोज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड द ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, द कोर्ट में डिस्पेंस विद सच ट्रांसलेशन। अगर उसका जो है विटनेस का लैंग्वेज इंग्लिश था और इंग्लिश के अंदर डिपोजिशन लिया गया है, कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लेकिन फिर भी दोनों पार्टी बोलती है ऐसा कि भाई हमको इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसका ट्रांसलेशन कोर्ट जो है डिस्पेंस कर सकती है अपनी उसकी, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो करवा भी सकती है बिकॉज यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मे। ओके, प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब विटनेस का डिपोजिशन हो गया, ठीक है, विटनेस का डिपोजिशन हो गया उसके बाद उसको रेड ओवर करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज। ठीक है, या फिर अगर अक्यूज नहीं है तो उसके प्लीडर जो है अक्यूज का उसके प्रेजेंस के अंदर उसको विटनेस को उसका खुद का स्टेटमेंट रेड ओवर करवाना है। ठीक है, अब जब सब ये सबसेक्शन वन था, अब सबसेक्शन टू है, कोर्ट ने उसको रेड ओवर करवा दिया लेकिन विटनेस जो होता है वो डिनाई करता है कि भाई कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ये नहीं मैंने ये कहा था। ओके, ठीक है, तब मैजिस्ट्रेट को क्या करना है, मैजिस्ट्रेट को जो है उसको ऑल्टर नहीं करना है डिपोजिशन को, लेकिन मैजिस्ट्रेट को जो है उसके नीचे एक मेमोरेंडम तैयार करना है जिसके अंदर वो अपने रिमार्क्स भी लिखेगा। ठीक है, ये सेक्शन सबसेक्शन टू और सबसेक्शन थ्री है। ठीक है, तो जब भी विटनेस को उसका डिपोजिशन पढ़ाया जाता है और विटनेस ये बोलता है कि ये करेक्ट नहीं है या जेन्यून नहीं है, मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, तो उसको सुधारना नहीं है लेकिन क्या करना है, उसको अंदर मेमोरेंडम उसके नीचे जज को एक मेमोरेंडम लगाना है जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा पूरा सरकमस्टांसेस और उसके नीचे वो अपने रिमार्क्स देगा। 279 है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर। ओके, ये जब बात आती है कि जब विटनेस की लैंग्वेज और कोर्ट की लैंग्वेज तो सेम है लेकिन अक्यूज की लैंग्वेज सेम नहीं है तब क्या, व्हेन एवर एनी एविडेंस इज गिवन इन अ लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड एंड ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट इन प्रेजेंट, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम। ठीक है, उसको आरोपी को जब वो हाजिर है तो उसको इंटरप्रेट करके बताया जाएगा कि विटनेस ने क्या कहा गया, क्या कहा है। इफ ही अपियर्स बाय द प्लीडर्स
एंड द एविडेंस इज गिवन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मतलब अगर उसका प्लीडर है और एविडेंस दिया गया है किसी और लैंग्वेज में जो कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, नॉट, और वो जो लैंग्वेज थी वो नॉट अंडरस्टूड बाय द प्लीडर, वो उसका जो वकील है वो भी नहीं समझ सकता है, ठीक है, तो इट शेल बी इंटरप्रिटेड टू सच प्लीडर इन दैट लैंग्वेज। तो कोर्ट क्या करेगी, उसके प्लीडर के, प्लीडर जो है उसका एडवोकेट जो है उसको भी इंटरप्रेट करके बताएगी कि भाई कि ये विटनेस ने क्या डिपोजिशन दिया गया है। सबसेक्शन 3 है, व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल प्रूफ इट शेल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रिट एज मच देयर ऑफ एज इज अपीयर्स नेसेसरी। अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से दिया गया है, ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज में नहीं है, तो कोर्ट जितना जरूरी है सिर्फ उतना इंटरप्रिटेशन करके देगी जितना कोर्ट को जरूरी लगता है। 280 रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डेमेनर ऑफ द विटनेस। ठीक है, यहाँ पर है कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट जब ट्रायल चलाता है उस वक्त जो भी विटनेस ने अपना डिपोजिशन दिया है और डिपोजिशन के अंदर उसने कुछ ऐसी हरकत की है, कुछ ऐसी चीजें की है जो जज को मटीरियल लगती है, तो वो उस मटीरियल जो है उसके जो डेमेनर है उसकी जो हरकत है उसको वहां पर नोट डाउन करवा सकता है। सेक्शन 281 है, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। ठीक है, वेन एवर द अक्यूज इज एग्जामिन बाय मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये कब की बात है, जब मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन कर रहा है। द मैजिस्ट्रेट शेल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शेल बी साइन बाय द मैजिस्ट्रेट एंड शेल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सेक्शन 281 में आपको बताऊं कि आरोपी को एग्जामिन करने का तो कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन जब आरोपी खुद विटनेस बॉक्स में आकर के जुबानी देना चाहता है, ठीक है, 313 के स्टेटमेंट के बाद, तो ये सेक्शन 281 उसके बारे में। Whenever the accused is examined by any magistrate other than the metropolitan magistrate or by the court of sessions, ठीक है, यहाँ पर judicial magistrate या फिर session judge की बात हो रही है। The whole of such explanation, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by the presiding judge or the magistrate himself, or where he is unable to do so, उसका superintendent भी लिख सकता है, ठीक है? सारे question जो भी उसको पूछे गए या सारे answer जो भी उसने दिए सब कुछ लिखना जरूरी है। The record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined, or if that not practicable, the language of the court. जो court, जो accused ने this language में deposition दी है, उसी language में उसको लिखना है। अगर practicable है तो, और अगर नहीं है, तो फिर court अपनी language में उसको लिखेगी। ठीक है, the record shall be shown and read to the accused. आरोपी जो है, उसको 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 जो है, उसका deposition, उसका जो cross examination है, वो read over करवाना है, ठीक है? और उसको अगर वो उसकी language में नहीं है, वो कोर्ट की लैंग्वेज में है और उसकी लैंग्वेज में नहीं है, तो उसको इंटरप्रेट भी करवाना है। 5 है, इट शेल देयरफॉर बी साइन बाय द अक्यूज्ड। आरोपी को भी साइन करना है उसका जो डिपोजिशन है वो, एंड बाय द मैजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको भी साइन करना है, उसको भी जो है सिग्नेचर करनी है, और दैट विल बी रेड इन विल बी रेड एज द एविडेंस इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल। ये जो पूरा सेक्शन है, ये समरी ट्रायल के अंदर अगर अक्यूज अपनी जुबानी देता है तो उसको लागू नहीं पड़ेगा। इंटरप्रिटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रिट ट्रूथफुली। ठीक है, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को इंटरप्रिटर बनाया है, विटनेस या फिर आरोपी की जब जो लैंग्वेज होती है वो कोर्ट की लैंग्वेज नहीं होती है, तो उसकी जवाबदारी है, बराबर है, ही इज बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन। वो उसकी जवाबदारी है कि वो सच्चा इंटरप्रिटेशन करके ही दे। Record in High Court 283. Every High Court may by general rule prescribe the manner in which the evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence and examination shall be taken down in accordance with the rules. High Court जो rules बनाती है उस हिसाब से जो है generally उसका जो evidence लिया जाएगा और उस तरह से उसका record रखा जाएगा। Commissions for examination of witness जो हमने आगे देखा था section 284. Okay. यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, बराबर है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, या फिर उसका जो प्रेजेंस है कोर्ट में लाना बहुत अनरीजनेबल है, या फिर कोर्ट को लगता है कि उसके अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी ट्रायल इंक्वायरी या अदर प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है एक कोर्ट कमिश्नर को, जो कोर्ट कमिश्नर जो है वहां पर जाकर के उसका डिपोजिशन उस व्यक्ति का, उस विटनेस का लेगा। ठीक है, ये सिर्फ विटनेस के बारे में बात है, ये अक्यूज के बारे में बात नहीं है। कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा।
ठीक है, मैजिस्ट्रेट खुद जा सकता है अपॉइंट करके, या फिर सेशन जज है तो वो किसी मैजिस्ट्रेट को भी वहां पर भेज सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है कि भाई अगर किसी ऐसी एग्जामिनेशन है ट्रायल के अंदर जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, उनको एग्जामिन करना है, तो कोर्ट के लिए कंपलसरी है कि उनको ना बुलाए बल्कि कोर्ट कमीशन अपॉइंट करे और वो कमीशन जाकर के उनकी डिपोजिशन ले। ठीक है, अब यहाँ पर जब कमीशन अपॉइंट होता है, ठीक है, तो उसमें कमीशन के खर्चे का जो भी बंदोबस्त है वो भी करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द प्लीडर्स फी टू बी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आरोपी के जो जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको पे करेगा अगर वो उनका विटनेस है तो। 285 कमीशन टू हुम टू बी इश्यू। ठीक है, किसको कमीशन इश्यू किया जा सकता है? इफ द विटनेस इज विद इन द टेरिटरीज टू विच द कोर्ट एक्सटेंड, द कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू द चीफ जुडिशियल, चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज द केस में बी विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द विटनेस इज टू बी फॉर्म। ठीक है, जो विटनेस जहां पर रहता है उस पर्टिकुलर एरिया का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट है वो कमीशन करेगा, वो कमीशन बन के वहां पर जाएगा एग्जामिन करने के लिए। इफ द विटनेस इज इन इंडिया, सबसेक्शन टू है, बट इन अ स्टेट, ठीक है, मतलब इंडिया में है लेकिन इसी ऐसे स्टेट या ऐसे एरिया में जहां पर सीआरपीसी लागू नहीं पड़ती है, तो उसमें क्या करे, उसमें क्या होगा, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जो रूल्स बनाती है उस रूल्स के हिसाब से उसका कमीशन का एग्जामिन होगा। जो अब सबसेक्शन थ्री है, ये सबसेक्शन क्या बोलती है कि कोई ऐसी जगह पे विटनेस रहता है जहां पर जो है सीआरपीसी लागू नहीं होता, वो इंडिया के अंदर ही नहीं आता है, वो किसी फॉरेन कंट्री में आता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उस रूल्स के हिसाब से उसका कमीशन होगा। कौन कमीशन बनेगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जो रूल बार बांटती है उस रूल्स के हिसाब से ध्यान में लिया जाएगा। 286 है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस। ठीक है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कमीशन द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सच मेट्रोपोलिटन और द चीफ और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज मे बी अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ शैल समन द विटनेस बिफोर हिम। ठीक है, वो अपने पास उसको बुला सकते हैं और प्रोसीड टू द प्लेस, या फिर वो वहां पर जा सकते हैं वेयर द विटनेस इज एंड शैल टेकन डाउन, जहां पर विटनेस रहता है वहां पर, और शैल टेकन डाउन हिज एविडेंस इन द सेम मैनर एज एंड मे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द सेम पावर्स एज द ट्रायल ऑफ द वॉरंट केस अंडर दिस कोड। ठीक है, वॉरंट केस के अंदर मतलब क्या होता है, नरेटिव फॉर्म में उसकी जुबानी ली जाती है, तो वो नरेटिव फॉर्म में उसकी जुबानी ली जाएगी। पार्टीज में एग्जामिन द विटनेस। ठीक है, 287 द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इन विच अ कमीशन इज इश्यूड मे रेस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एनी इंट्रोगेटरीज इन राइटिंग विच द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग द कमीशन मे थिंक रेलेवेंट टू इश्यू। ठीक है, सपोज ऐसी जगह पे जा रहा है, अगर नजदीक में है तो वहां पर एडवोकेट जाकर के खुद क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन सपोज किसी ऐसे विस्तार में जा रहा है जहां पर वो नहीं जानता या फिर फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है और वहां पर जो है कमीशन एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर क्या करेगा, यहाँ की जो कोर्ट है अक्यूज से या फिर उसके प्लीडर से क्या मंगा लेगी, इंट्रोगेटरीज मंगा लेगी। इंट्रोगेटरीज क्या होती है, ये रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं कि जो क्वेश्चन उसको पूछने होते हैं, क्योंकि वहां का जो मैजिस्ट्रेट है उसको तो पता नहीं कि जुबानी किस चीज में ली जाने वाली है, उसका क्या फ्रूटफुलनेस होगा, उसका क्या पर्पज होगा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना कितना जरूरी है, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों पार्टी अपनी अपने क्वेश्चन लिख के दे देंगी और वो क्वेश्चन वहां पर जाके उसको पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन और उसका आंसर लिख करके यहाँ पर कोर्ट को वापस भेजा जाएगा। ओके, रिटर्न ऑफ कमीशन आफ्टर द कमीशन इश्यूड अंडर सेक्शन 284 हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, इट शैल रिटर्न टुगेदर विद द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस एग्जामिन देयर अंडर टू द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट इशूइंग द कमीशन। ठीक है, जो कोर्ट ने इश्यू किया था कमीशन उस कोर्ट को वो रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, क्या के साथ, उसकी जुबानी, जो भी क्वेश्चन उसको पूछे गए हैं वो सारे उसको डिपोजिशन के फॉर्म में वापस भेज दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्ट को। एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रायल चालू है, वहां पर ट्रायल चालू है, कोर्ट ने एक विटनेस को एग्जामिन किया है, एग्जामिन करने के लिए कमीशन इश्यू किया है, अब वहां पर एग्जामिन जब तक वो विटनेस नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तो यहाँ पर ट्रायल चला के कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर ट्रायल भी चल रही है, यहाँ पर ट्रायल खत्म हो गई, जजमेंट भी आ गया और वहां पर अभी विटनेस एग्जामिन नहीं हुआ, तो जब तक कोर्ट को लगता है कि भाई कि एडजर्नमेंट प्रोसीडिंग कर देनी चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ 6 मंथ,
जब तक वो कमीशन एग्जामिन होकर के आ जाए तब तक वो ट्रायल को जो है एडजर्न कर सकता है, बट यहां पर भी डिस्क्रिशनरी पावर है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन, ठीक है। अभी हमने आगे देखा कि इंडिया की कोर्ट ने जो है कमीशन इश्यू किया जो फॉरेन की कंट्रीज में जाना है, इसी तरह से कितने ऐसी चीज है जो फॉरेन की कंट्रीज कमीशन इश्यू कर दी है जो हमारी इंडियन कोर्ट पर एग्जामिन करने होते हैं विटनेस, जो विटनेस इंडिया के अंदर रहते हैं, तो उसमें भी सेम प्रोविजंस लागू पड़ेगा, ठीक है, कि उसको एग्जामिन किया जाएगा और वापस से उसका डिपोजिशन वगैरह जो भी लिया जाएगा वो उसको उस पर्टिकुलर कोर्ट को भेज दिया जाएगा। ये किस तरह से होगा, सारा उस कंट्रीज के साथ होगा जिस कंट्रीज के साथ इंडिया की ट्रीटी है, उस तरह से वापस भेजा जाएगा, किस तरह से, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बना के जो है बाहर पड़ा है, जो रूल्स बताए उस हिसाब से ये सारा काम होगा। सेक्शन 291 है, डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, ठीक है। यहाँ पर कोई मेडिकल विटनेस ने कोई भी चीज, कोई भी ऑलरेडी किसी जगह पे एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कोई भी जुबानी दी गई है पहले किसी केस के अंदर, ठीक है, वो भी रेड ओवर की जाएगी इस पर्टिकुलर जुबानी के अंदर। जैसे कि सपोज कोई एक मेडिकल इश्यू है जो ऑलरेडी दूसरी ट्रायल के अंदर चल चुका है, दूसरे ट्रायल के अंदर कोर्ट ने उसके ऊपर रिलाई भी किया है, उसका डिपोजिशन लिया गया है पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो वापस से उस विटनेस को उस ट्रायल में बुलाने की जरूरत नहीं है। जो पहले वाला उसका जो जो विटनेस जो डिपोजिशन था उसको ही इसी कोर्ट के अंदर यूज किया जा सकता है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो सिर्फ मेडिकल विटनेस से रिलेटेड होना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड इश्यू पर ही होना चाहिए, दूसरे कोई इश्यू पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो जो एक्सपर्ट मेडिकल विटनेस होता है उसको भी ये लागू पड़ता है, जैसे कि जो पोस्टमार्टम करता है बराबर है, जो डॉक्टर होता है उसको भी ये लागू पड़ता है। 291A है आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जहां पर भी मैजिस्ट्रेट जाकर के किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और वो आइडेंटिफिकेशन का मैजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट जो है वो सीधा सीधा एविडेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, उसको सीधा सीधा एग्जीबिट पड़ जाएगा, क्योंकि वो दैट इज साइन बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बुलाना जरूरी है तो वो उसको समन्स भी कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसेक्शन 2 है, द कोर्ट में, कोर्ट खुद बुला सकती है इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को सही लगता है तो, एंड शेल ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और ऑफ द अक्यूज, ठीक है। अगर आरोपी या प्रोसिक्यूशन में जो एपी जो पीपी होता है वो अगर एप्लीकेशन देते हैं तो कंपलसरी है बुलाना, और अगर कोर्ट को लगता है खुद से अगर वो लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते करते हैं और कोर्ट को लगता है कि उसको बुलाना जरूरी है तो भी कोर्ट उसको बुला सकती है एज अ विटनेस। 292 है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट, मिंट क्या होती है, ये एक टंकशाला होती है जहां पर नोट्स या कॉइन्स बनते हैं, ठीक है, उसके जो ऑफिसर्स है उनको बुलाने की बात है कि उनको जनरली कोर्ट बुलाएगी नहीं, लेकिन उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं, उनकी जो प्रोसीजर्स होती है, वो सारा जो है एविडेंस के अंदर एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग, चाहे उस ऑफिसर को बुलाया गया हो या नहीं बुलाया गया हो, ठीक है। यहां पर भी सबसेक्शन 2 है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन एन एग्जामिन, ठीक है। यहाँ पर आरोपी को जो है वो आरोपी या प्रोसिक्यूशन को लिबर्टी नहीं दी गई है कि तुम अगर एप्लीकेशन दोगे तो कंपलसरी है, लेकिन कोर्ट को अगर लगता है कि उनको बुलाना जरूरी है तो कोर्ट उनको बुला सकती है, ठीक है। आगे फर्दर ये भी बोल रही है कि अगर किसी हेड ऑफिसर को बुलाया गया है आपने, लेकिन अगर हेड ऑफिसर नहीं आता है, उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर आता है, तो वो भी डिपोजिशन दे सकता है। ओके, सेक्शन 293 है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। इसी तरह से जो साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट को भी एविडेंस में यूज किया जाएगा, चाहे उस एक्सपर्ट को कोर्ट ने विटनेस तरीके नहीं बुलाया हो तो भी उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से है वो सबसेक्शन 4 में दिए गए हैं, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, ये सारे जो भी है बराबर है, उनको उनका जो रिपोर्ट होता है एनालिसिस का वो एविडेंस में कोर्ट डायरेक्ट ले सकती है, उनको एग्जामिन करे बिगैर, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उनको बुलाना जरूरी है तो कोर्ट उनको बुला सकती है।
ठीक है, सेक्शन 294 है, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब दोनों पार्टी अपना अपना एविडेंस देते हैं और अदर साइड, जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने एक लिस्ट दिया, उस लिस्ट के अंदर अक्यूज ने कुछ डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है, ठीक है, तो उसकी जेन्यूननेस या उसकी सिग्नेचर या वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रिपेयर हुए है या नहीं हुए है, उसके लिए विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है। कोर्ट में वो एविडेंस की तरह माना जाएगा। सपोज के कोई पंचनामा हुआ है, अब वो आरोपी वो पंचनामा को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो पंच को बुलाना जरूरी नहीं है। वो जो जो पंचनामा है वो सही तरीके से हुआ है, उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, ऐसा कोर्ट मान के उसको एविडेंस में जो है इंट्रोड्यूस कर लेगी, उसको पक्का एग्जिबिट दे देगी। एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है बराबर, उसके कंडक्ट के रिलेटेड आपको एविडेंस देना है, तो आप वो कैसे दोगे? आप वो एविडेंस के ऊपर दोगे, आप वो एफिडेविट में दोगे। आपने जब एफिडेविट दिया है तो वो दैट विल बी रेड इन दी एविडेंस, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एविडेंस, ठीक है, द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ अ फॉर्मल कैरेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन बी रेड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, ठीक है। फॉर्मल कैरेक्टर का जो एविडेंस होता है, ठीक है, वो देना कोर्ट में आके जुगाड़ देना जरूरी नहीं है, उसका एफिडेविट फाइल कर दिया गया, दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, या फिर आरोपी या फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उसको अक्यूज या फिर प्रोसिक्यूशन अगर उसको बुलाने के लिए अर्जी करते हैं समय, ठीक है, तो ही उसको बुलाना कंपलसरी है, या फिर अदरवाइज कोर्ट की मर्जी की बात है कि उसको बुलाए या नहीं बुलाए। सेक्शन 297 है, अथॉरिटीज बिफोर हुम द एफिडेविट्स मे बी स्वॉर्न, ठीक है, एफिडेविट कौन कर सकता है, ठीक है, एक है जज या जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकता है, या फिर वो कमिश्नर कर सकता है अंडर दी ओथ एक्ट, ठीक है, या फिर तीसरा कौन कर सकता है, नोटरी कर सकता है। ये तीन लोग एफिडेविट कर सकते हैं एज पर सीआरपीसी। 298 है, प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव, ठीक है, पुराना कन्विक्शन उसको हुआ है ये कैसे आप साबित करोगे, ठीक है, तो एक ए है जो बोलता है कि आप कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी रख दो कि भाई इसको वहां पर सजा हुई थी या एक्विटल हुआ था, वो जजमेंट रख दो, दैट विल बी सफिशिएंट एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ और एक्विटल, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि आप जो है उस जेलर के पास जाकर के सर्टिफिकेट ले लो कि भाई कि ये मेरी जेल में है या फिर मेरी जेल में पहले था, उसका जो है एक सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी सफिशियंट के वो व्यक्ति को पहले कन्विक्शन हो चुका था। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज, ठीक है, सेक्शन 299 है। बेसिकली ये सेक्शन, आपने आगे सेक्शन देखी जो बोलती थी कि भाई आरोपी की प्रेजेंस के अंदर ही तुमको जो है जो विटनेस लेना है, दैट वाज सेक्शन 273, ये उसका एक्सेप्शन है। यहाँ पर कोर्ट क्या बोल रही है, जो एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर आरोपी एब्सकॉन्डर हो गया, ठीक है, इफ इट इज प्रूव्ड, पहले मतलब ये साबित करना पड़ेगा कि आरोपी जो है एब्सकॉन्डर हो गया, ये एक चीज। दूसरा, या आपको ये पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि अभी नजीक के भविष्य में आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन दैट केसेस आप जो है सारे विटनेसेस को, कंप्लेनेंट को, सारे विटनेसेस को, पंचनामा जो भी है, सारे विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हो इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज, ठीक है, एग्जामिन करके आप उसको रख सकते हो, ताकि जब आरोपी जब पकड़ा जाए उस वक्त जो फरियादी है या विटनेस है या मर चुका हो या फिर अपना डिपोजिशन देने में असमर्थ हो या फिर उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं हो, तब भी वो जो विटनेसेस का डिपोजिशन जो कोर्ट ने 299 के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है वो आरोपी के विरुद्ध में वंचाएगा। जनरली होता क्या है कि आपको डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन के बाद आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ही उसको कोर्ट जो है उसमें देख सकती है कि भाई उस विटनेसेस को ध्यान में लेना कि नहीं लेना। लेकिन यहां पर आपकी गलती थी, आरोपी की गलती थी कि आरोपी भाग गया, ठीक है, और आरोपी पकड़ा नहीं रहा, तो उसकी गलती की वजह से अगर कोई विटनेस मर जाता है या फिर बाद में असमर्थ होता है अपनी जुबानी देने के लिए या फिर वो विटनेस कहीं और चले जाता है, तो उसका लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब कोर्ट ने जो है 299 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया हो, ठीक है। सब सेक्शन 2 है, ये सब सेक्शन 2 की बात जब आ रही है कि जब सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करते हैं किसी ट्रायल या इंक्वायरी के अंदर
आप जो है पहले से सारा विटनेसेस का डिपोजिशन ले लो। ये कब लागू पड़ेगा कि जब आरोप जब कोर्ट को पता ही नहीं है कि आरोपी कौन है, ये उस टाइम पे प्रोसीडिंग लागू पड़ेगी सब सेक्शन 2। अदरवाइज जब आरोपी को पता है, आरोपी नोन है, तब क्या लागू पड़ेगा? 299(1) लागू पड़ेगा। ठीक है, अब सेक्शन 300 जो है वहां से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 300 से आगे का जो है सेक्शन देख लेंगे। ओके।